ओम शांति। आज का टॉपिक है रूहानी तंदुरुस्ती तथा रूहानी विद्यार्थी क्या है। जब स्पिरिचुअल हेल्थ या रूहानी तंदुरुस्ती की बात करते हैं, तो उत्तम रूहानी तंदुरुस्ती का अर्थ है कि मैं रूह की बीमारियों से मुक्त हूँ। नकारात्मकता का चिन्ह भी नहीं है। सभी बाधाओं पर विजय प्राप्त कर ली गई है। मेरा चेहरा खुशी से चमकता है। उत्तम रूहानी स्वास्थ्य मिलता है स्वस्थ आध्यात्मिक जन्म से। अपने शाश्वत माता पिता ईश्वर का स्मरण करते हुए स्वयं के सत्य स्वरूप अर्थात पवित्रता के व्यक्तित्व में जन्म लो। मैं ईश्वर के साथ जीवन जी रही हूँ। मैं ईश्वर के साथ बातें कर रही हूँ। मैं ईश्वर से शिक्षा ले रही हूँ। आंतरिक खुशी सबसे अच्छी खुराक है। ये इस पर निर्भर करता है कि आपके हृदय में क्या है। और जब रूहानी विद्यार्थी अर्थात स्पिरिचुअल स्टूडेंट की बात करते हैं, तो कहा जाता है ना, स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। तो हमारी लाइफ हमेशा गॉडली स्टूडेंट की या स्पिरिचुअल स्टूडेंट की हो। रूहानी पथ का एक अच्छा विद्यार्थी सभी विषयों में सम्मान सहित उत्तीर्ण होता है। उसमें वो आगे ही रहता है। इसका अर्थ है कि आध्यात्मिक ज्ञान व ईश्वरीय शक्ति इतनी अच्छी तरह धारण कर ली जाए कि जीवन की प्रत्येक चुनौती का सामना करते हुए अपने शांत स्वभाव व सत्यता को न छोड़े। दिल में दया व परोपकार की भावना हो। न कभी दुख दे न कभी दुख ले। भावनाएं शुद्ध हो अर्थात हम किसी से आशा न रखें और शुद्ध भावना का दूसरों के साथ खूब आदान प्रदान करें। आप सन्यासी बनकर तथा व्यवहारिक जीवन का त्याग करके ये प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। इसकी अपेक्षा आप पूरी तरह रहिए तो संसार में ही रहना, तो संसार में ही है, परंतु इसके विकारों वह नकारात्मकता से दूर रहे। जिस तरह से लोटस का फूल, कमल का फूल रहता कीचड़ में है, परंतु वो कीचड़ उसको छूता नहीं है, वो उसके ऊपर होता है। ठीक ऐसे ही रहना विकारी दुनिया में या नकारात्मक लोगों के बीच में ही है, क्योंकि दुनिया ही कलयुगी है। नेगेटिविटी मेजोरिटी में होगी, परंतु वो नेगेटिविटी हमें स्पर्श न करे। जीवन का ऐसा सफल विद्यार्थी बनने का समय अब है। आपको इस विषय में स्वयं पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। ईश्वर में विश्वास रखने से उनकी सहायता मिलती है। इसके साथ अपने दृढ़ संकल्प की शक्ति से आप प्रगति कर सकेंगे। आपको जो भी वस्तु चाहिए वह ईश्वर आपको प्रदान करेंगे। मन में सत्यता है, समर्पण भाव है, विकारहीन है ना, विकारों से ऊपर है, अविकारी है, तो वो ऑटोमेटिकली वो एनर्जी हम यूनिवर्स में ट्रांसफर करते हैं। निस्वार्थ भाव की, निस्वार्थ सेवा की, तो वो ही हमारे पास पुनः लौट कर आती है। इसलिए बिना कुछ अपेक्षा के देते चले, सभी को दुआएं देते चले, शुभ भावनाएं देते चले, शुभकामनाएं देते चले, तो ऑटोमेटिकली वो हमारे पास लौटनी ही है। अच्छा, कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30 और प्रातः मुरली क्लास 4:45 बजे, रात्रि क्लास 9:45 बजे। ओम शांति।